अभी चिड़ियों के पानी पीने के लिए है। इसने यहाँ सीढ़ी बना दिया है, इस जगह पर ये ईंटा रखा है, ये सीढ़ी का काम करता है। चिड़िया आती हैं, अगर पानी कम पड़ गया तो इस सीढ़ी से आगे उतर के वहाँ तक जाके पानी पीती हैं, इसी में नहाती हैं। तो ये है वही आदि से केवल दाब दिया करो, कैमरे को चालू रखो। हाँ वहीं से बनाना, क्योंकि हाँ चलो अब पीछे चलो, पीछे चलो। अब देखिए, अब ये है सामने बेल का पेड़। जो बेल होता है, इसलिए हेलमेट यहाँ टांग दिया है। जैसे याद आया कि अरे हम तो यहाँ खतरे का बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो याद आया बच्चों से, मैंने कहा जो कैमरा बना रहे हैं लेके, फिर हमने कहा आप जल्दी पीछे हटिए। एक भी बेल पता नहीं कब, चूँकि अब इस समय टपक रहे हैं, सर के ऊपर आ गया तो आदमी के ढेर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इधर से न जा करके आप यहीं से बना लीजिए, वो केला है, बल्कि हेलमेट लगा लें हम, क्योंकि अगर एक बेल भी चला आया तो फिर हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, फिर आगे हमारा सेवा कैसे होगा। ऐसा पुराना हेलमेट था, यहीं टांग किया है, यहीं से बनाई जाए। यह है देखिए भोसावल, असली असली भोसावली केला है, ये ज़्यादा सेवा नहीं कर पाए तो इसलिए ये छोटा हुआ है। असली भोसावली यही है, बहुत मीठा होता है, मजबूत टाइप का केला होता है, टिकाऊ होता है। यह लाल कमल के पत्ते आ गए हैं इसमें, देखिए सीमेंट के पौधे में, ये बिल्कुल लाल कमल है, बंगाल से मैंने मंगाया था सुर्ख लाल कमल। अब ये जुलाई अगस्त वो बल्कि सितंबर में से लाल लाल कमल आवेंगे। यह पौधे में रखा हुआ है, ये आपका लौंग का पेड़ है, ये भी जिलाधिकारी महोदय को, ये इसका लौंग का पौधा जो है इसी बारिश में तैयार करके उनको भेंट करेंगे, क्योंकि पर्यावरण के प्रति लोगों का बड़ा रुझान लगाव है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।